जितने भाई बैठे हैं श्रद्धा करके गौ माता का नारा लगाए। बोल श्री गौ माता की। अरे मुनीन की गेल बोल। अच्छा गेल बोलू। हाँ ठीक बोल श्री गौ माता की। जय हो। बाल बाबा शंकर महाराज की। जय हो। बाल नगरी के सभी दही देवताओं की। जय हो। हेलो हाँ बेटा बेटा। हाँ माता जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। हाँ बेटा मुझे किस लिए बुलाया? बेटा आज मेरा अंतिम समय है। अंत समय किसे कहते हैं? मर जाने को। और मर जाना किसे कहते हैं? ये शरीर से जी बाहर निकल जाएगा, खालिस मट्टी रह जाएगी। क्या कुछ कहना चाहती हो? और मेरी बात सुनिए। बोलिए ओ तेरी रूपाणी के तापे चढ़ारे रूपाणी के तापे चढ़ारे ओ मन खत तेरा से चली वो जीत गया मेरी हार हुई सब राज मलतरी खड़े लखावे मैं तुरंत शहर बार हुई बड़ी कृपा भरतार हुई राज के खड़ी मिलूंगी जब मैं पल्ली भरतार हुई बाजू पे एक ताबीज बांधती हूँ ये मेरी मोह ममता का ताबीज है। इसके अंदर क्या लिखा है? इसमें नाम गाम आपकी जाति जमाती सब कुछ किसी से पढ़वा लेना और अपने पिता के राज्य में चले जाना। ठीक है। वो चिट्ठी लिख दी बांध बुझा के वो चिट्ठी लिख दी बांध बुझा के बिना जी लिया संभाला होशियार हुई वो तेरी रूपाणी के एक लाल ना दो चारा की
قسمت ماری دیکھی کھلی ہوئی نا پھلواری دیکھی Yeah.
बत्ती ये कुछ ना होता अरे इतना ते से धन्यवाद करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमियों, अपनी माता का अंतिम संस्कार करके और लकड़ी तोड़कर उसी माधोपुर शहर में बेचने के लिए चला जाता है। अरे कोई लकड़ी ले लो भाई, कोई लकड़ी। ए सर जी, भाई काले के पंडित शीशराम जी 200 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णलाल जी हमारे गुरु के समान हमारा 100 रुपए से धन्यवाद करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई लकड़ी ले लो भाई, कोई लकड़ी दे दे रहे हो। ओ ओ ओ लकड़ी वाले, हां भाई, हां भाई, हां ये लकड़ी बिकाऊ ले रहा है। हां लकड़ी बिकाऊ है भाई।
भाई लकड़ी होगी तो हमने भी जरूरत है भाई। अच्छा लो एक काम कर, ये लकड़ियां नीचे डाल ले। ये ले, अरे परे न ले ना ले। ओ भाई हां एक बात बता, ये लकड़ियां का इन्हें बेचता है तू? बेचू भाई। क्या चाहिए भाई तने? भाई रोटी खाऊंगा। रोटी? हां पहले मैं एक बात बता, आपका क्या नाम है, क्या कुटुंब कबीला है, कहां रहते हो? एक सांस में इतनी बात, एक की जा खड़ा है देख, पहले ये करे लकड़ियां के ले गानू बता। रोटी खाऊंगा, छक्का खाऊंगा, दो टाइम खाऊंगा। तने कट हमी सा बता दे इतना, अगले टाइम भूख लागे बता। हां एक बार के 13 बजे खा जा कर। अच्छा 13 ही बजा करे के 12 ता का घंटा 13 का हो से। ओ भाई बात सुन, मैं तो दो टाइम खाऊंगा, छक्का खाऊंगा, अचार की फाड़ भी लूंगा। फाड़ की अचार भी लेगा? हां नहीं भाई, अरे गुड़की डली भी, डलकी गुड़ी भी। हां भाई रे एक काम कर, ये लकड़ी हमारे लिए आ करो। अच्छा रोजाना भोजन पा जा करो। ठीक है, हाँ समझ में ठीक है, जाइए। फिर एक बात और होगी, ये लकड़ी आपने 20 धड़ी रोजाना के हिसाब से लेनी पड़ेगी। 20 धड़ी? हाँ 20 धड़ी कोई ना चल भाई। क्यों? क्योंकि बालक सु। अरे जब तू चलती उठनी से खा जा, तू बालक रह रहा मेरे यार। उठनी तो जाए के जा कर, उठनी का के हो भाई रे। हां मानस ने लेनी हो ना, एक प्रकार करके लिया, दो प्रकार के लिया, वो तीन प्रकार के लिया, चार प्रकार के लिया। ठीक है लिया होगा? ले आऊंगा। एक बात और होगी के लकड़ी ये हो कदे काबली की करकी बांध ले आवा, वो नहीं ये लकड़ी ले आऊंगा। जाइए प्रेमियो, अब लो बिलाल को पता था कि ये लकड़ियां कीमती हैं और ये कह दिया यही लकड़ियां लानी है। वो लकड़ हारा भोजन करता रहा और लकड़ी लाता रहा। उसी शहर के राजा राय सिंह और जिनके दो लड़की, बड़ी लड़की का नाम बीना और छोटी का नाम बेला, और जो बेला बीना की सखिया है वो बीना से क्या कहती है? शाबाश। हेलो हाल नमस्कार बेला, क्या बात बहन? बेबे नमस्कार, क्या बात? घुमण चल लेगी? आए घुमण हो रे। देखिए बहन, मैं लिखाई पढ़ाई के धंधे में व्यस्त रहती हूँ। लिखाई पढ़ाई में? हाँ मेरे को इतनी फुर्सत नहीं है खेलने कूदने की। बेबे घनी लिखाई पढ़ाई में तेरा दिमाग चल जाएगा। हाँ तो दिमाग चल जाएगा, और मेरी बात सुन ले। ले कहिए क्या? हाँ सुनिए।
बाहर बाहर के कड़े का लिखण पढ़न के धंधे के मा पिंजर हो हर हर के एक कागज में सर मार मार के नोए मर जाएगी शोक मेरी ए नोए मर जाएगी शोक तू नहीं मर जाएगी आहा हाय नु बता या कौन सा या भी मरमती है ए लुवा मरेगी ये से मैं नक्की बहू नक्की उठी या के एक से एक को ना दो सही है एक काम खरीद रहा तू एक ही आ देखिए बहन बेला ये किसी की और भी अच्छा करो वो अपनी आंधी तार रहे हो हेलो लुआ फेर कर दिया यू को बंदूक ना को पिस्तौल ना न्यू बेच सकता रहे जाओ कोई अर्ज नहीं ठीक यू न्यू लनर गोली ही लगी ठीक अच्छा नू देखिए बहन बेला हाँ अभी तुम नादान हो नादान नादान अभी हाँ तुम्हें इन बातों का ज्ञान नहीं है कौन सी कहा दूसरी मैं बताऊंगी तेरे को बताइए बेबे छड़ाइए हे तेरे हाँ ये दिल बिगड़न की ये बात अच्छा ये हटे कम जाते ए तू दिले राते बदी पे Yeah.
देख लिया ये तन लाजिया खुल के जितनी तू दिखाना रे छोटी है उतनी खोटी है होती ये तू बेला घणी ना तो ए दादा नहीं तहले ज्ञान ए तू भी मान हासिया में हे काल या जितनी बदमाशी करती हो रोजाना है रोजाना बदमाशी इसका एक दिन के रिजल्ट निकलेगा एक दिन से तरीली करते मैं तो नहीं करूंगी बोल फांसी का ये तेरी बदमाशी का ये लो बदेवाने डोबे एक कच्ची लसी गोपन घूमती जागी भान बेला सुन लिया ए तू उतनी से लक्ष्मी चंद ठठा हसी का ए तू कारी सा बोल फसी का तेरी बदमाशी का लोभ ए देगा तना डोब अच्छा या कचिया गोब टूट जाएगी हालती अच्छा दिन रात बदी पर चलती मेरी बात सुन ले मैं तना और समझाऊंगी कि मैं मेरे को हां ले समझा फिर तू हां सुन ले एक परदेशी पहले एक बार सुर दिखाइयो सुख रखे भगवान पार्टी को 500 रुपए से सम्मान करते हैं 500 रुपये पार्टी के नाम ये किया सभा में आनंद करियो जी धर्मी का जात चलेगा धर्मी का जात चलेगा दिया दान रख दिया माने फरे सब से गुना फलेगा नगर में आनंद करियो जी बेबे लमा तने और बात समझाऊंगी तेरी बात तो मेरी समझ में नहीं आई पर मेरी समझ दी क्या बात है कागज में सर मारे बिना ए कागज में सर मारे बिना ए खाना पीना ए छूट जागा Yeah.
पीला बदला बैग मले की बदला बैग मले की तन की खाल उतारे हे तन की खाल उतारे हे फिर जोड़ी का रास्ते में क्या देखता है एक कुमार गुड़ते ने पागा बांध रहा और गुण ने सराहने ला रहा उसको देखते हुए राजा राज सिंह एक दो आ लिखते हैं चलो शाबाश काला केरल वाले रिबंदर योगी ने और साहब भगवान पार्टी के निमित्त करे 501 रुपया का दान बोले 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 अरे लुवानी के लुवानी के साधु राम दानी वीर भगवान 200 रुपए मंदिर के नाम 50 पार्टी के नाम
जिंदर से ओ मादत पंडित जी बड़े भगवान 200 रुपए मंदिर के नाम 50 रुपए पार्टी के नाम किया 251 रुपए का दान आनंद करियो जी जय हो बडाला के रहने वाले संत लाल लुहार पांचाल साहब 251 रुपए मंदिर के नाम ये किया प्रेम से दान काला के सरंगी धानक दानी वीर बड़े भगवान 1500 रुपए मंदिर के नाम 100 रुपए पार्टी के नाम ये किया प्रेम से दान आनंद करियो जी शंकर पंडित जी दानी वीर बड़े भगवान 200 रुपए पार्टी के नाम ये किया प्रेम से दान जय हो जय हो जय हो हेलो 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 रमेश शर्मा दानी वीर बड़े भगवान किया 100 रुपए का दान रतन दानी वीर भगवान किया 100 रुपए का दान जय हो मैं सुनियो यो थारे वाला राग मने नहीं कहना ना चितरा रे चितड़ी ओए होए आइए हेलो रानिया रानिया कभी दर लाग गया रानी आ जा तना बाल खुआ ले हूं सुनो भाई ध्यान से सुनो मेरा हम तो कल गिठवा पाट गया कितनी जल्दबाजी हो गूगल पे अनजान पेमेंट से हां रानी साल तना वा खवा लाऊं रोटी खा ली रोटी रो जाना खावे एक आधे दिन बाल भी खा ली ना मैं नहीं खांदी चल चलिए रानी जी एक बात बताइए बोलिए महाराज मैंने बात के दरवाजे पे कुछ लिखा था जी क्या इस मेरी बात का जवाब देने दिया है महाराज मैं क्या आपकी बात का जवाब दे सकती हूँ मेरी गुंजाइश अच्छा हाँ तो जवाब किसने दिया मैंने क्या मालूम नमस्कार आइए मेरे बलडोजर पिताजी आपकी बात का जवाब बहन बिन्ना ने दिया है एक काम करिए के जल्दी से जल्दी बिन्ना को बुला के लाइए के कहूँ अरे नुको दिनो को बाघ में पिताजी हैं थोम का तो तरण हो रहा है नुको पट्टा था टूटण ने हो रहे इतना माऊ ना इतना टूटिए मत ना बहन बिन्ना नमस्कार हेलो हाँ बहन बेला नमस्कार तने बाघ में बापू बुलावे आए किस काम के लिए छो में कति टूटने हो रहा है तना मेरी चुगली करी होगी भाई रोई चुगली लाड का मुंह है मेरा तो सारी चुगली की बन रही है सारी चुगली करा मुंह तो से इसका चुगली करण का भाई ता चल भी आते बाबू यानी बेबे आगी पिताजी नमस्कार खुश रहो ए बिना हां पिताजी एक बात बतलाइए क्या मैंने बाग के दरवाजे पर जवाब बना के लिखा था कैसे मेरी बात का जवाब देने दिया देखिए पिताजी मैंने आपकी बात समझकर इसका जवाब नहीं दिया बल्कि किसी लिखने वाले ने इसके अंदर गलत लिख रखा था पिताजी ये क्या गलत और क्या ठीक गलत तो इसकंदर यह था कि जो दुनिया में बेफिक्र है वही खुश नसीब है क्योंकि एक बेफिक्री से तो एक पशु भी अपना पेट भरता है लेकिन उसको खुशी हासिल नहीं होती गलत है ये गलत है हाँ और सही क्या है सही ऐसे है या तो इंसान अपनी शुभकणी से पार हो सकता है या किसी के घर में पतिव्रता और तो हो उसके धर्म से पार हो सकता है तीसरा रास्ता पार होने का नहीं है सॉरी तेरी गलती है तुम्हारी गलती है माफी मांग ले किस बात की पिताजी किस बात की यह गलती कर दी मैंने और गलती है तेरी पिताजी मैंने तो इसका जवाब दिया है पतिव्रता के कादे मर्याद जो होते हैं हाँ तू खूब अच्छी तरह जानती है पिताजी अच्छी तरह से जानती हूँ मानती ही भी हूँ और इन पर अमल भी करती हूँ अमल भी करती जी हाँ तो जाइए मैंने तेरा पति पर धर्म देखना देख ले मेरी के धोटी खोलोगे तुम धोटी धोटी के कटड़ू ने भी खोल लाऊंगे तो सारे दूध में तू सीधा ठीक है देख लियो प्रेमियों राजा क्रोधित होकर दो सिपाहियों को बुलाता है कि इस लड़की के लिए ऐसा कंगाल पति टोकर लाओ
जिसके न घर हो न खाने के लिए अन्न हो न पहनने के लिए वस्त्र हो। दो सिपाहियों को बुलाता है। हाँ प्रणाम महाराज, खुश रहो, एक काम करो। हाँ बोलिए। संसार भर में से कोई ऐसा इंसान ढूंढ कर लाओ। कैसा? जिसके लिए खाने के लिए अन्न नहीं हो, पहनने के लिए वस्त्र नहीं हो, अच्छा रहने के लिए घर नहीं हो, ठीक, और तुम्हारी सेहरा नंग मनंग हो। नंग हो इस हाथ फिर मैं हूँ महाराज, इस हाथ मैं हूँ, तो मैं भी मील में कटवा देंगे। राम के रामोतार शर्मा जी भगवान, रामोतार शर्मा जी दानी वीर, पार्टी के निमित्त किया 501 रुपए का दान। श्री श्याम निशान मंडल काला दान सभा प्रधान सभा के प्रधान सुभाष जी 11,000 रुपए तो बाबा के नाम, 11,000 रुपए तो बाबा के नाम, 500 रुपए पार्टी। आप ये बताओ आपकी लड़की कै साल की है? लड़की? हाँ जी लड़की होगी 20 साल की होगी। तेरे लड़का कै साल का था? ये कम से कम 30 का था जरूर था। ये 30 का? जब 30 का नहीं मिल रहे तो 15 साल के लिए आऊ। अरे तू क्या करेगा? एक मर जाएगा एक तैयार रहेगा, छोरी रांडना होगी। जा अपना काम कर। शाबाश। बोलो बाबा शीलगिर महाराज जकी, बोलो बाबा शीलगिर महाराज जकी, बोलो बाबा शीलगिर महाराज जकी, बोलो बाबा कप्तानाथ महाराज जकी। अरे कौन सुनेगा चक्कर में भाई आराम से कत्ता का प्रोग्राम भीतर करवाओ। हाँ भीतर है कहना का नीचे। बूंद आ गई तख्ता नीचे करवा दे कहना नीचे।
Thank you.
Yeah.